देखिए आज का जो दिन है 30 तारीख है और 30 तारीख को छठ का पर्व मनाया जा रहा है। छठ का पर्व गंगा स्नान से या किसी तालाब के स्नान में करने से, सूर्य को अर्घ देने से पूरा होता है, पर शास्त्रों में इसका विरुद्ध किया गया। भागवत ग्रंथ में 12वें स्कंद के 13वें अध्याय में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो महापुरुष आग, पानी, पत्थर, मिट्टी, गोबर नदी, वृक्ष और अग्नि की पूजा करता है, वह विद्वानों की सभा में गधे के समान है। भागवत हर कोई करता है, लेकिन उसका रहस्य कोई बताने वाला नहीं, क्योंकि अगर ये बताएंगे तो पेट पर आघात होता है, हमारे परिवार पर आघात होता है, जनता को गुमराह करना है। तो मूर्ति की पूजा करवानी है, तालाब की पूजा करवानी है, सूरज की पूजा करवानी है। अरे सूरज इस पृथ्वी से कई लाख गुना बड़ा, हजारों करोड़ योजन दूर, आपके एक लोटा जल देने से क्या वो प्रसन्न हो जाएगा? उसकी आग शांत हो जाएगी, वो ठंडा हो सकता है। और जिस दिन सूरज ठंडा हो गया, उस दिन आप जिंदगी के लिए तरस जाओगे, जिंदगी जी नहीं पाओगे। सूर्य एक इंसान नहीं है, इसको भगवान बना के बैठे, सूर्य देवता है, सूर्य भगवान है। सूर्य एक ग्रह है जिसमें हर क्षण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नामक बम फूटते रहते, विस्फोट होता रहता है, जिनकी लपटें 2.5 लाख किलोमीटर चलती हैं। आप प्रैक्टिकल करो, आज सबके पास ज्ञान है, सब समझदार हैं, सबको शिक्षा मिली हुई। आज ऐसा नहीं है कि कोई भाई जो हमारे पुरखों ने बता दिया, हमारे गुरु जी ने बता दिया, हम उसी पर चले जाएं। तो आपके पास क्षमता है, आप उसको प्रैक्टिकल कर सकते हो, शास्त्रों को पढ़ सकते हो, शास्त्रों को देख सकते हो। कबीरदास जी ने स्पष्ट कह दिया, पहान पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, यहाँ से तो चकिया भली पीस खाए संसार। हम मूर्ति पूजा पर लगे हुए हैं, मूर्ति कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी रूप में रखनी है, और उसमें हमारे समाज के कुछ अग्रणी जन, अगुए, मैं अगुए ही कहूँगा, जो समाज को चला रहे हैं, उन्होंने भगवानों का ठेका ले रखा है। मेरा प्रश्न है उनसे, आप कोटा से मूर्ति लाते हो, राजस्थान से मूर्तियां लाते हो, मथुरा वृंदावन से मूर्तियां लाते हो, आपने लाखों रुपए खर्च करके एक मंदिर बनाया, उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हमारे अगुओं के द्वारा की जाती है, हवन यज्ञ करके उस मूर्ति में जिसकी हम मूर्ति लाते हैं उस भगवान को उसमें डाल दिया जाता है। और कहते हैं अब भगवान इस मूर्ति में भगवान स्थापित हो गए, आके बैठ गए, तो चाहे वो शंकर भगवान हो, ब्रह्मा जी हो, विष्णु भगवान हो, कृष्ण भगवान हो, गोलोकवासी कृष्ण हो, बाल मुकुंद हो, बांके बिहारी हो, 9 प्रकार की देवियां हैं, चाहे देवी हो, कोई भी प्रकार की देवी हो, हम मूर्ति लाएंगे, पैसे हम दे के आएंगे, ये प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे। तर्क की बात है, सोचने वाली बात है कि एक पत्थर में तुम भगवान को डाल सकते हो, एक इंसान जो नौकरी कर रहा है, स्वस्थ है,
नौजवान है, अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। मैं ऐसे जो भगवान को मूर्ति के अंदर स्थापित कर सकते हैं, भगवान को वैकुंठ से बुला करके, गोलोक धाम से बुला करके, बेहद भूमि से बुला करके मूर्तियों में रख सकते हैं, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि किसी नौजवान व्यक्ति की जो अकाल मृत्यु हुई है, कृपया करके उस व्यक्ति को जिंदा कर दो। मैं आपका गुलाम, मेरा पूरा परिवार गुलाम, मेरे समाज के जितने भी व्यक्ति हैं सारे आपके गुलाम बन जाएंगे। कर सकते हैं क्या? ये तो व्यक्ति अभी जिंदा था, इसमें हाड़ है, मांस है, हड्डी है, मेद है, मज्जा है, शुक्र है, सब कुछ है इसके अंदर, शरीर के अंदर नस नाड़ियाँ भी हैं। मूर्ति के अंदर ना नस होती है, ना नाड़ियाँ होती हैं, ना मांस होता है, ना मज्जा होता है, ना अस्थि होती है, ना शुक्र होता है, ना ही रस होता है, ना ही रक्त होता है। प्राणी के अंदर सब कुछ होता है, लेकिन अगर जीव निकल के चला गया तो उसको कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो वापस ला करके दे दे। एक इंसान को जो अब निकल के गया हुआ है, उसे तो हटा नहीं सकते, उसे बुला नहीं सकते, उसे जिंदा नहीं कर सकते। चाहे आप 1000 यज्ञ कर लो, 10,000 हवन कर लो, लाखों गायत्री मंत्र पढ़ लो, वो जिंदा नहीं हो सकता। परंतु विडंबना ऐसी है कि हमने अपने दिमाग को इस तरफ कभी लगाए नहीं, अध्यात्म की तरफ नहीं लगाए, जो सत्य है, जिसके लिए हम आए हुए हैं। मानव जीवन क्यों मिला हुआ है? मूर्ति पूजा के लिए नहीं, मानव जीवन मिला हुआ है भवसागर से पार होने के लिए। अब भवसागर से पार होने के लिए हमें वेद शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। वेद शास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा कि तुम मूर्ति का पूजन करो, जड़ पूजा करो। शास्त्र कहते हैं उस परमात्मा का चिंतन करो, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ये वेदांत दर्शन का पहला ही सूत्र है कि जीवन तुम्हें मिला हुआ है, तो जीवन का तुम्हें लाभ उठाना है उस ब्रह्म का चिंतन करके, ब्रह्म की खोज करो। गायत्री मंत्र में भी उस परमात्मा के लिए गायत्री मंत्र जो छंद है यह प्रार्थना करता है, परमात्मा तू बुद्धियों का स्वामी है, तू बुद्धियों का स्वामी है, यानी तेरे पास बुद्धि है, तू ही उस बुद्धि का मालिक है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे बुद्धि दे, उत्तम से उत्तम बुद्धि मुझे प्रदान कर, ताकि मैं तुझे वर्णन कर सकूँ, अपना सकूँ। वर्णन करने का मतलब अपना सकूँ। परंतु इस मंत्र का अर्थ ना बता करके, भावार्थ ना बता करके, सार ना बता करके इस मंत्र को ही परमात्मा बना दिया, तो भाई हम कहें कि अग्नि प्रति जागृति ही, अग्नि प्रति जागृति, अग्नि स्वयं उत्पन्न हो जाए, अग्नि स्वयं उत्पन्न हो जाए, तो अग्नि स्वयं उत्पन्न होने वाली नहीं है। अग्नि उत्पन्न करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, अग्नि ऑटोमेटिक उत्पन्न नहीं होती। भोजन हमें करना है तो प्रयास करना पड़ेगा। हम सिर्फ चिंतन करने से, मुंह में बोलने से कि भोजन मैं खा लूँ, भोजन मैं खा लूँ, भोजन मैं खा लूँ, थाली वहाँ रखी हुई है, थाली को हाथ ही ना लगाए तो भोजन गिर जाएगा हाथ में, भोजन थाली में से उठ करके मेरे अंदर नहीं जाने का। ग्रंथ हमें रास्ता बता रहे, पर उस रास्ते से हमें भटका दिया गया है, और हमें जाहिरी अर्थ पता है कि ये तुम्हें उसका मन चिंतन नहीं करना, मंथन नहीं करना, उस पर विचार नहीं करना, जो तुम्हें बता रहा है कि ये परमात्मा है, इसका चिंतन करो, तुम भवसागर पार हो जाओगे। विडंबना देख लो, आज किसी को तकलीफ होती है, भागा भागा जो तो इसके पास जाता है, गुरुओं के पास जाता है, अगुओं के पास जाता है, महाराज मुझे तो बहुत तकलीफ है, बीमार पड़ा हुआ है, करूँ तो करूँ क्या? वो कहता भाई मृत्युंजय मंत्र करवा ले। मृत्युंजय मंत्र का मतलब है तुझे मृत्यु दोबारा आने की नहीं, तू काल के मुँह से बच जाएगा। मृत्युंजय मंत्र का मतलब है काल के मुँह से बचना। तो मृत्युंजय मंत्र
जो है ये कह रहा है कि इस त्रिगुणात्मक जगत के अंदर, शरीर के अंदर, जिसमें कफ है, पित्त है, वात है, इन तीनों प्रकार के विकारों से शरीर बनता है। इनको सम अवस्था में रखोगे तो जो यजमान जीव बैठा हुआ है इस बॉडी के अंदर, जो कह रहा मेरा सर है, मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरा पेट है, ये सब मेरा मेरा कर रहा, मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा मेरा है और मैं कौन हूँ, मैं अलग हूँ, पर इस मेरे को दर्द होता है, परेशानी होती है तो परेशान मैं होता हूँ, इसमें दर्द होता है, चोट लगती है, घाव लगता है, टूट फूट होती है तो परेशान मैं होता हूँ, दुखी मैं होता हूँ। यहाँ गायत्री मंत्र में भी इसी तरह से और जो मृत्युंजय मंत्र में भी इसी तरह से इसका वर्णन किया गया है कि यजमान तू जीव है, इस त्रिगुणात्मक तन के अंदर, बॉडी के अंदर बैठा हुआ है, तो तू इसको सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इस देह को सुगंधित शुद्ध भोजन, पुष्टि पुष्ट करने वाला, शरीर को ताकत देने वाले, ताकत देने वाले भोजन का इस्तेमाल कर।